ओ भाई साहब, ये पहाड़ देखो। ओ भाई भाई, कितना खतरनाक लग रहा है। वगैरह वगैरह खींचते, फेसबुक वगैरह 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 में स्टेटस डालते हैं, और अपने यहाँ से लोग फोटो खींच के ऐसा एंगल खींचते। ओ भाई, ओ भाई, ओ वहाँ से जो एक छोटा ब्रिज देख रहे हो, देख रहे हो भाई, पोखरा पोखरा सिटी देख रहे हो। ओ भाई, यहाँ से ना देखो, क्या बताऊं यार, देख रहे हो ना आसमान में क्या ही मौसम हो रखा है। बिल्कुल बहुत जोर से धूप भी नहीं हो रहा है, एकदम ठंडा मौसम भी नहीं हो रहा है, एकदम नॉर्मल इसमें राइडिंग करने वाला मौसम हो गया भाई। क्या बताऊं यार, मज़ा आया यार। अरे देखते देखते भाई भाई भाई, अभी थोड़ा चढ़ाई था, यही है चढ़ाई। आई थिंक इसके बाद तो मेरे हिसाब से चढ़ाई थोड़ा बहुत ही होगा, और 50-100 मीटर होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा आई थिंक इसके बाद। हाँ, तो पसीना बहुत ज़्यादा निकल रहा है अभी। यहाँ सबसे मेन चढ़ाई यही है, उसके बाद कुछ चढ़ाई चढ़ाई नहीं है। ऑलराइट, अभी थोड़ा बहुत खींचते हैं साइकिल में। अरे दीदी, हेलमेट लगाओ। हेलमेट ही नहीं लगाया ये लोग तो। यार सेफ्टी के लिए हेलमेट लगाना जरूरी है गाइस, हेलमेट लगाओ यार। साइकिल में तो क्या ही हेलमेट लगाया यार, ज़्यादा स्पीड भी नहीं है मेरा साइकिल में तो, गियर सिस्टम भी नहीं है। अच्छा नॉर्मल सिस्टम है यार, लगाओ हेलमेट लगाओ आपके फ़ायदा के लिए, किसी को भी मैं बोल रहा हूँ, अपने सेफ्टी के लिए, और कोई नहीं है यहाँ पर। ये मेरे भाई, बहुत ज़्यादा थकान हो रखा है अभी तो यार, काफ़ी। मैंने बोला था आपको थोड़ा ही चढ़ाई है, लेकिन यार चढ़ाई तो थोड़ा करके बहुत ऊपर तक निकल गया यार। गाड़ी में जाते हुए तो पता नहीं चलता है, लेकिन साइकिल में तो बहुत अच्छी तरह से पता है। और वो वहाँ लिख रहा है 27 किलोमीटर और, ठीक है अब तो शायद मेरे हिसाब से होगा नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है यार। मैं ना, हम क्या गाड़ी में चढ़ते थे, बाइकों में वगैरह चले गए थे, बट क्या है साइकिल में तो यार मतलब असली जो रास्ता है वो पता होता है ना, क्योंकि पता है अभी देखो ऊपर खापड़ छोटा सा वो चढ़ाई होता है ना, वो चढ़ाई भी पता चलती है, ऐसे पैडल मारने मुश्किल हो जाती है। ओहो, ये देखो भाई, अभी थोड़ा बहुत गर्मी होने लग गया, बहुत ज़्यादा हूँ मैं, हो गया ना। आए, 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 मेरे भाई, थोड़ा थोड़ा चढ़ाई है, और यार पूरा धूप में देखो सब मेरे को बोल रहे हैं कि भाई तू पागल तो नहीं हो रहा है यार। मैं क्या बोलो, चैलेंज दिया ना आपका भाई ने यार, तो कैसे इनकम्प्लीट करके बैठ सकता है, तो कंप्लीट तो करना है किसी भी हालत में। सब लोग मुझे हैरान हो जाएंगे यार, पोखरा में साइकिल में वो भी विदाउट गियर सुबह जाके शाम आया। ये मेरे भाई यार, हर किसी के बस की बात नहीं होता है साइकिल में से चलने में, ठीक है वो भी एक ही दिन में, ठीक है ये चैलेंज होता है ना भाई, बहुत हद पार करता है। कितना पसीना निकल रहा है, क्या हो रहा है वो तो मुझे पता है भाई। वहाँ से निकल रहा हूँ, पीसा भी नहीं लग रहा अभी तक, पानी पूरा ऐसे निकल जा रहा है, दबा के पी रहा हूँ फिर भी पसीना से निकल रहा है। चलो थोड़ा आगे। ओ भाई साहब, ये पहाड़ देखो। ओ भाई भाई, कितना खतरनाक लग रहा है। और गाइस, हो वहाँ पर क्या है पता है, ओ जो पॉइंट देख रहे हो वो काफ़ी फेमस पॉइंट है, बालू पहाड़ बोलते हैं, है ना। तो मैं शायद वहाँ पर बैठ नहीं पाऊँगा ज़्यादा देर, ऐसे थोड़ा बहुत एक दो फोटो शूटो
शूट करके मैं निकलूँगा। शायद मैं फ़ोटो नहीं खींचूँगा, आते वक्त खींचूँगा, क्योंकि आते वक्त टाइम मिला के आऊँगा। बिकॉज अगर मैंने यहाँ पर रुक गया तो मेरा पास वहाँ पर पहुँचने का टाइम मेरा लेट हो जाएगा और मैं टाइम में नहीं पहुँच सकता हूँ, ये मेरे को थोड़ा मुश्किल है। तो फटाफट भालूपाड़ा आज मैं दिखाऊँगा, नहीं किसी और दिन दिखाएंगे, या तो आते वक्त हो सकता है। ओके गाइज, अभी चलो अपना साइकिल ऐसे करके ये पहाड़ देखते हैं ना, बिल्कुल ये आबादी, ये ओहो क्या खूबसूरत लग रहा है। ओ वहाँ से अगर पैराग्लाइडिंग करेंगे तो कितना मजा आता होगा, है कि नहीं? तो भाई देखो यार, इस पहाड़ कितना खतरनाक लग रहा है यार, मां कसम डरावनी लग रहा है मुझे तो यार। ओहो अभी यहाँ से चढ़ाई खत्म हो गया थोड़ा बहुत, अब चढ़ाई आगे की तरफ, थोड़ा आगे की तरफ छोटा छोटा मोटा, छोटा मोटा पहाड़ हो सकता है, उससे ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं है। आगे ट्रैक्टर आ गया, फिर ट्रैक्टर के कारण से ना क्या होता है कि रोड पूरा जाम हो जाता है। सो सैड यार, इसको आगे करना ही पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो करा 25 किलोमीटर ज़्यादा नहीं है गाइस, अब 25 किलोमीटर बचा है। आप तो शायद एक जगह का नाम है यहाँ पर खूपिंडे बोलते हैं, अगर वो जगह में हिट कर लिया ना, वहाँ से तो 20 मिनट में पहुँच जाएंगे, ज़्यादा देर नहीं है वहाँ से तो। ओ भाई कितना अच्छा लग रहा है अभी यार, बहुत पसीना निकल गया था अभी तो यार। अभी मैं पहुँच चुका हूँ एक भालू पहाड़ नाम की जगह है। यहाँ पर आने से पहले आप क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐसे एक बंदा बैठता है तो टिकट शिकट कटिंग हो जाता है, और एक ऐसा एक फेमस जगह है यहाँ पर, काफ़ी लोग आके फ़ोटो वगैरह वगैरह खींचते हैं, फेसबुक वगैरह 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 में स्टेटस डालते हैं और अपने पोस्ट भी करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, कुछ नहीं है बस, अब यहाँ अगर आपको एक व्यू अच्छा मिल जाएगा बस, यहाँ से लोग फ़ोटो खींच के ऐसा एंगल खींचते हैं। भाई ओ भाई ओह, वहाँ से जो एक छोटा ब्रिज देख रहे हो, वो ब्रिज से भी आगे जाना पड़ेगा एक बार। ओए हवा लग रहा है काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा फीलिंग्स हो रहा है यार, लेकिन धूप हो यार, धूप हो रखा है ना, दिन के 12 बजे के 12 साढ़े 12 बजे के टाइम में थोड़ा बहुत धूप धाप हो रखा है, कोई नहीं। भालू पहाड़, लुक एट दिस भालू पहाड़, जो वहाँ पर लिख रहा है भालू पहाड़। ओके दो चार फोटो ले लिया और जाते हैं सीधा पोखरा, हिट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं बैठना है, तो आपने चैलेंज भी किसी भी हालत में पूरा करना है और शाम को रिटर्न भी आना है। तो मौसम काफ़ी अच्छा तो लग रहा है, ज़्यादा धूप भी हो रखा है, देखो ना मौसम इस तरफ थोड़ा काला काला हो रखा है, इस तरफ एकदम क्लियर मौसम हो रहा है। तो चलो अब चल लेते, मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं बैठूँगा क्योंकि अभी शाम को रिटर्न आना है। ओके चलो यार, ज़्यादा देर अगर बैठेंगे ना और ज़्यादा देर लगेगा, तो यहाँ दो चार फोटो खींचने के लिए 10 रुपीज़ से। ओके है ब्रो, ये जो टिकट खरीदे को आज के दिन को वैलिड हो, आज के दिन हो, मैं रिटर्न आऊँगा मैं पहुँचूँ तो टिकट दिखा रहा। ओके तो अभी जो मैं टिकट लिया, अगर मैं वापसी आते वक्त क्या होगा, तो अगर टाइम मिलेगा तो मैं ऊपर जाके एक तो शॉट ले लूँगा, जो कुछ भी हो फोटो वगैरह वगैरह जो भी हो ले लेंगे, और जो टिकट लिया आज के दिन वैलिड रहेगा, कल से क्या होता नया टिकट हो जाएगा। ओके लेट्स गो, अभी चल लेते हैं, बहुत ज़्यादा देर हो गया क्योंकि पोखरा जाके रिटर्न भी होना है, अपना साइकिल ऐसे ही है यार। गाइज मैं फंसा था नहीं यार, बारिश हो रखा है इस तरफ तो यार, तो मैं थोड़ा थोड़ा आगे आएगा, मैं वीडियो शूट नहीं किया, बारिश नहीं हो रहा बल्कि धीरे धीरे इस तरफ पूरा बारिश हो रहा है। अभी तो ऊपर से मेरे की तरफ नहीं गिरा, लेकिन थोड़ी देर पहले इधर गिरा हो सकता है यार। यार अगर बारिश हो गया ना, मैंने वो पंचू भी नहीं लेके आया, वाटर प्रूफ भी नहीं लेके आया, जो जैकेट नहीं लेके आया, ऐसी छतरी लेके आया, क्या है कि आज तो मौसम भी ठीक ठाक देख के आया था, क्या मौसम का भरोसा भी तो नहीं कर सकता है ना। देखो इधर से कोई गए लोग तो वाटर प्रूफ ओढ़ के आ रहा है यार, अरे अगर इधर से वाटर प्रूफ
मेरा नहीं है, इधर से तेज़ी सी बारिश हो गया तो भाई मेरा चैलेंज और लेट हो सकता है यार। पूरा तो करना है लेकिन थोड़ा लेट हो सकता है गाइस, ठीक है ना। टाइम में घर में आएंगे ना तो अच्छा होता है ना, टाइम में नहीं हो सकता है लेकिन मैं करूँगा यार। मेरे लिए बारिश भी रुक जाएगा पता है, मेरे लिए बारिश भी रुक जाएगा, मैं बताऊँगा बारिश को। ए मेरे भाई बारिश मत आना प्लीज़, आज के दिन के लिए शाम तक, कल आ जाना, रात को आ जाना ठीक है। तो अगर रात को आएगा ना तो भाई अच्छा लगेगा, सुकून से नींद भी आएगा। अच्छा और दूसरा बात बताऊँ, शायद मैंने बताया कि नहीं बताया यार, कल है ना मैंने वीडियो, मेरे पास पुराना वीडियो इतना ज़्यादा पड़ा था ना, तो वो यार उसी की वजह से मैं क्या हुआ अपना जो वीडियो है एडिटिंग करते करते रात को 2-3 बज गया है ना। मैं सिर्फ लिटरली कितना घंटा सोया पता है, सिर्फ 3 घंटा सो के, 3-3.5 घंटा सो के सीधा उठ के उसके बाद अपना तैयार तुर होके फटाफट आ गया। तो मैं सिर्फ 3 घंटा सोया हूँ, 3-3.5 घंटा लगाओ, 3.5 घंटा सोया। ओ भाई 3.5 घंटा में पूरा सोया ही नहीं, क्या करें यार, बारिश हो रखा है आगे तो यार। ओहो यार मेरा यार प्लानिंग, मेरा ये प्लानिंग तो मत बोलो, ये चैलेंज बहुत भारी पड़ने वाला है यार, बहुत भारी पड़ने वाला है मेरा चैलेंज, मुझे लग रहा है बहुत। मैंने नहीं करना था यार, ऑलरेडी एक तो मेरा तो हिप में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया साइकिल में चढ़ चढ़ के, बहुत देर हो गया तो भाई थक भी बहुत ज़्यादा गए, क्या करें यार। थकाई तो थोड़ा बहुत लग रहा है, थकान हो रहा है, ठीक ठाक हो रहा है, नहीं बहुत ज़्यादा भी नहीं बोल सकता हूँ थकान है ना लग रहा है, लेकिन दर्द होने लग रहा है बहुत ज़्यादा, हिप में दर्द होने लग गया यार। वापस ही तो आना ही है भाई, वापस ही आना जाना, अभी पूरा नहीं हो पा रहा है, वहाँ पहुँच ही नहीं रहा हूँ अभी तक, तो आना भी है। ए भाई चैलेंज भारी पड़ने वाला मुझे लग गया, कई टाइम के बाद साइकिल चला रहा हूँ यार। देखो यार वाटर प्रूफ बोल यार, पानी पड़े छो हाँ, मैं तो बारिश हो रहा है, मैं पूछ रहा हूँ उसको, वो बोल रहा है हाँ तो बोल रहा है। ये भगवान क्या करे यार, सियांगजा डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस होकर अदर डिस्ट्रिक्ट आया। आप तो यहाँ से भाई ज़्यादा चढ़ाई तो नहीं है, तो वो थोड़ा इक्का दुक्का ही हो सकता है, इक्का दुक्का बोल बोल के मैं भी पागल बना रखा हूँ आप लोगों को, पहुँच ही नहीं रहा है तो क्या करें, बोलना ही पड़ेगा, तो जितना भी खींचू पहुँच ही नहीं रहा है भाई। सुबह 8:15 बजे निकल रहा है बंदा, 1-2 बजने वाला है, 9-10-11-12 एक बज गया क्या गाइस अभी, शायद मेरे हिसाब से बापरे मैं 3 बजे रिटर्न हो जाऊंगा, होपफुली अगर मैं 3 बजे रिटर्न हो जाऊंगा ना तो ठीक है। आप तो यहाँ से 14 किलोमीटर है ओनली, तो भी रास्ता ठीक ठाक है। ये जगह का नाम है कुपिंडे, ओके देख रहे हो, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट क्या हो गया ख़त्म हो गया, अब यहाँ से आगे दूसरा डिस्ट्रिक्ट, अनदर डिस्ट्रिक्ट है। चलो फाइनली यहाँ पर हम क्या हो गए, एंट्री कर लिया। पोखरा को एक कांस की डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, पोखरा कांस की डिस्ट्रिक्ट में आता है, ओके। आप तक का मेहनत, आप तक का मेहनत, आप तो भाई सीधा नीचे ही नीचे नीचे ही नीचे ही है, थोड़ा बहुत क्या है वो है, ज़्यादा नहीं, मैं अभी नहीं बोलूँगा ज़्यादा है नहीं, थोड़ा ही है। तो भाई माय गॉड अभी मज़ा आ रहा है, ओहो ओए थैंक यू, एक बोल रहा है थैंक यू बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है वेलकम बोल रहा है, जो शुभ यात्रा का काम लगा वेलकम टू क्या लिख रहा है, वेलकम टू कास्क डिस्ट्रिक्ट हो सकता है। क्या भाई मज़ा आ रहा है यार, लिटरली देखो पहाड़ देखो ऊपर, ओ भाई कैसे है जंगल, ओ माय गॉड। हाँ
यार मैंने अभी तक इस जगह में साइकिल राइड नहीं किया था। तो साइकिल राइड करने से ना मतलब काफ़ी चीज कुछ कुछ बीच बीच का रास्ता होता है, मतलब होता है जगह का नाम, वो जगह का नाम भी अभी मेरे को क्या हो रहा है, पहले सुनने में तो आता था लेकिन नाम एग्जैक्ट पता नहीं था। तो यही है आते वक्त मेरे को है ना थोड़ा चढ़ाई यही है और ज़्यादा कुछ भी चढ़ाई नहीं है। जाते वक्त भाई मैं आते वक्त रिटर्न आते वक्त तो मेरे को कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यस ये मैं क्रॉस कर दूँ ना, बाकी तो मैं आराम से क्लियर बोल रहा हूँ पहुँच सकता हूँ। हेलो भाई, साइकिल राइड करते हुए पोखरा यहाँ से देखना भी शुरू हो गया भाई। ओ भाई चलो आगे जाकर मैं आपको दिखाता हूँ, अभी के लिए यहाँ पर रखता हूँ। बहुत लंबा शूट हो गया यार, पता नहीं यार कितना मिनट का हो गया। आई थिंक मैं यहाँ से दो या तीन पार्ट भी हो सकता है गाइज, जो भी हो है ना। तो मैं यार क्या कर रहे थे यार, लंबा वीडियो होगा तो मैं यार आप लोगों को फिर बोरिंग लगता है ना, वही चीज़ बोल रहा है और थोड़ी से पहाड़ बोल बोल के मैं भी तो पागल बना रखा हूँ आप लोगों को, है कि नहीं। क्या करें, जो आपको वीडियो में ना छोटा पार्ट देखने तो मज़ा आता है, लेकिन जो इतना लंबा रास्ता विदाउट गियर वाला साइकिल में चलना तो बहुत ही मुश्किल होता है ना गाइस यार, क्या ही करे। तो अभी आते वक्त मेरा तो हालत मेरा पतली हो जाएगी यार। गाइस क्या बताएं यार, छतरी ओढ़ने बना दिया यार, बारिश तेज बहुत जोर से होने लग गया अरे बारिश तो यार, हे भगवान। ये यार सच में यार मेरा तो हालत पतली हो गई यार, अब तो कैसे जाऊं यार। हे भगवान पोखरा पहुंचने वाला था मैं, पहुंचने से पहले हो गया शायद। उस साइड तो बारिश भी नहीं हो रहा होगा, इसी साइड हो रखा है बारिश, पता नहीं पोखरा का मेन सिटी में हुआ या नहीं हुआ, आई डोंट नो। बट यहाँ तो बारिश धीरे धीरे और तेज़ी से बढ़ती जा रखा है। अब तो यार प्लेन आ गया, अरे क्या करें यार, चलाऊँ क्या, धीरे धीरे एक हाथ से चलाता हूँ ना, एक हाथ से चलाएंगे तो कैसे रहेगा यार। ओह हाँ यार अब तो प्लेन आ गया, चलो प्लेन आ गया, अब छोड़ना नहीं है ठीक है। ओके मैं तो छतरी ओढ़ के साइकिल चला रहा हूँ ठीक है ना गाइस। तो अभी क्या है, थोड़ा प्लेन आ गया अभी तो, प्लेन में तो यार थोड़ी ना ऐसे पैदल चलेंगे यार, है कि नहीं। प्लेन में तो यार जैसे भी हो साइकिल दौड़ाना है मेरे भाई। क्या बताऊँ यार, क्या यार लास्ट में यार पहुँचने वाला था यार। पूरा भीग जाएंगे ना फिर, ऐसी की तैसी हो जाएगा फिर। पोखरा का मेरा चैलेंज, थोड़ा तो हो रखा है। देख रहे हो गाइस पोखरा सिटी देख रहे हो। ओ भाई कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन अच्छा तो कैसे हुआ वो मुझे पता नहीं कैसे मैं आया, पूरा पीछे बहुत भीग गया। एक तो इसके पीछे मडगार्ड कुछ है नहीं है ना, तो मैंने बैग को बहुत नीचे तक पूरा इधर नीचे तक लटका दिया और देखो मेरा पूरा पीछे भीग गया भाई। वापसी भी जाना है यार, क्या कैसे भीग गया रे मेरे भाई। हाँ तो सच में हालत खराब हो गया, और जो ये चैलेंज लिया भाई वो चैलेंज मेरे को बहुत बड़ा हो रहा है। अब मैं एक कपड़ा इसलिए ऊपर लगा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत सर बचाना जरूरी है, नहीं तो भाई बीमार हो जाएंगे। मेन बात ये है यार, धूप भी लग रहा है, क्या हो रहा, बारिश भी हो रखा है, ये क्या हो रखा है, हे भगवान। यार साइकिल को देखो मैं कैसे रख रहा हूँ, अब क्या करें, कैसे भी किसी भी तरह से जाना पड़ेगा। धूप तो लग गया भाई, क्या पता बारिश बंद हो जाएगा। देखो ना यार पीछे तो मेरा पूरा ही भीग गया रे, सच में हालत पतली हो गया।
छोड़ो यार, जो भी हो अब मैं क्या करूँगा, माउंट पे लगा के थोड़ा बहुत आगे तक, काफ़ी आगे तक मैंने शूट नहीं किया तो ऐसे रन दिया क्योंकि बारिश हो गया था, तो अब बारिश से भी बचना पड़ेगा ना, तो इसीलिए लेट्स गो, अब चलते हैं यार, ज़्यादा देर नहीं बैठेंगे, मेरा पूरा भीग जाएगा, बैठे बैठे और ज़्यादा भीग जाएगा। इसको बोलते हैं ना असली राइडर, तो भाई यार वहाँ की तो सब ऐसे ही है यार, ये बारिश देख रहे हो ना, इस बारिश में पूरा भीग के यार चैलेंज लिया आप लोगों से, ऐसे बात नहीं है भाई, हर कोई ऐसे नहीं ले सकता है चैलेंज, लोग तुरंत छोड़ देते हैं, ऐसे गिव अप कर देते हैं, तो भाई आपका भाई था, आपने चैलेंज दिया तो भाई पहुंचाना है, चाहे कुछ भी हो कुछ भी हो, ठीक है ना। तो भाई मेन तो ये बात है कि यहाँ पर है ना, यहाँ मड़गढ़ नहीं है, तो मड़गढ़ ना होने के कारण से ना तो क्या हो रखा है, यहाँ से सीधा ये जो टायर से हवा बहुत ऊपर खींच रहा है, तो यार मेरा घोड़ा मुझे बहुत साथ दे रखा है यार, लेकिन इसका थोड़ा ब्रेक क्या हो रहा है, थोड़ा ढीला हो रखा है, तो ब्रेक थोड़ा सही करना पड़ेगा, बाकी तो ठीक है यार। बहुत यार इतना ज़्यादा है साइकिल, मुझे इतना हेल्प कर रहा है, ठीक ही नहीं यार, ऐसे साइकिल हर कोई ऐसा थोड़ी चलाता है, हर कोई यार, मैं कहीं बंदे से पूछता हूँ, बाप रे तू वहाँ जाकर रिटर्न आएगा, चलो एक तो जाने के लिए लोग बोलते हैं यार, इतना तू कैसे जाएगा साइकिल में, बोल रहा है ना, और दूसरा क्या होता है, लोग बोलते हैं मेरे को कि रिटर्न आना है, भाई ये तो मतलब ये क्या है ना, मैं तो इम्पॉसिबल वाला चैलेंज ले रखा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर अंदर से यार लोग यार पोखरा तक आने के लिए क्या होता है, एक दिन टाइम मिला के आ जाते हैं, वो भी बाइक वीक में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आपका भाई देखो साइकिल में सुबह 8 बजे निकल के और उसके बाद वहाँ पहुँच के पोखरा में जाके, पोखरा एक फेमस क्या है, एक लेक है, फेवा ताल बोलते फेवा लेक, उसमें जाके तो थोड़ा आप लोगों को एक दो शॉट दिखाना है, उसके बाद तुरंत रिटर्न होना है। अगर मैं ज़्यादा देर भूल गया तो फिर क्या होता है, ऐसे की तैसे हो जाएगी, मतलब फिर कोई नहीं होता है, तो इसलिए ना मेरा सोच भी यही है कि यार जाओ फटाफट करो और तुरंत हुआ, ये मेरा मेन मकसद क्या होता है, पोखरा हिट करके आना चाहिए, हिट करके आपको वहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे, तो भाई वो तो अलग से टाइम लगेगा ना यार, एक्सप्लोर करना अलग बात होता है, ठीक है, पोखरा हिट करके आना अलग बात होता है। तुम्हारा भाई कैसे ऑलराइट गाइस, अभी मैंने अपना जितना भी है तो ताम झाम है, तो ऊपर लगा हुआ सर में लगा हुआ कपड़ा और छाता वगैरह वगैरह मैंने डाल दिया, और उसके बाद थोड़ा बैग को नीचे पुश कर दिया, क्योंकि जो नीचे से जो टायर से बहुत छिटका मारता है ना पानी, वो वाला पानी का, और नीचे तक कर दिया तो ताकि क्या होगा भीग ना जाए। और फाइनली पहुंच गया भाई पोखरा, वी डिड इट, आई हिट पोखरा। ओके जैसे मैं पहुंचता हूँ ना टाइम देखता हूँ भाई, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि यार टाइम में क्या दिखाया, सब कुछ दिखा दिया तो सही बात है, अगर टाइम में सही तरीका से नहीं हुआ तो ओके, फिर टाइम सही नहीं हुआ बेकार हो जाता है। We did it, Pokhara, from for cycle. Okay, my God. Normally, चलो भाई, normally. We did it, Pokhara. I hit Pokhara. This Pokhara, this is 0 kilometers. Okay, wow, what a nice road. Pokhara आते ही कुछ beautiful road देखने के लिए मौका मिला. Wow, very good. Why I do? अरे भाई, I did it. Finally, I hit Pokhara. ओ भाई कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुकून लग रहा है, वाई ना ली पोखरा, आई हिट पोखरा, दैट्स इट। ओके गाइस, फाइनली हिट कर लिया पोखरा, तो भाई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना गाइस यार, तो आप लोगों का चैलेंज मैंने किसी भी हालत में पहुंच कंप्लीट कर दिया, और दूसरा और नेक्स्ट चले जाओ यहां से मेरा घर तक पहुंचने के लिए, तो भाई पोखरा तो बहुत, अरे यहां पर बारिश नहीं हो रहा यार, लुक एट दिस साइड, दिस इज ये साइड पूरा सूखा सूखा है यार, व्हाट इज दिस यार,
What the hell? अरे what is this? यहाँ बारिश हो रहा है, आपको 200 मीटर लगभग 500 मीटर आगे बारिश हो रखा है। What is this यार, ये क्या है? मैं तो हैरान हो गया यार। ले ले मेरे भाई, ये क्या हो गया यार, ये हुआ क्या? ये भाई 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 भाई, वो तो हैरान कर दी हाँ मुझे तो यार। इतने बारिश का कोई नाम निशाना है नहीं, एक कदुका ऐसे देख रही है, बाकी कुछ नहीं है। इधर जो इस साइड देख रहे हो ना, इस साइड ये जो रोडों में, मतलब वो कच्ची रोड, वो कच्ची रोड में क्या है, मतलब बारिश का तो होता है ना वहाँ पर, मिट्टी मिट्टी मत है। देखो ओके ओके, थोड़ा आगे आगे जाके और देखते हैं कि हम पोखरा पहुँचने के बाद एक ऐसा जगह देखते हैं, तो जो फेवा लेके जो काफ़ी फेमस जगह है वहाँ पर जाएंगे। और इस वीडियो को है ना मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी देर में मैं एंड करूँगा यार। तो ऑलराइट, तो थोड़ा आगे मैं जाता हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को एक लास्ट वाला इंट्रो करता हूँ। लुक एट दिस साइड गाइस, दिस साइड ये एकदम क्या है, बिल्कुल वो हो रहा है, अंधेरा अंधेरा हो रखा है, पूरा बारिश हो रखा है। बट यहाँ देखो, वहाँ से यहाँ पर कितना, दो चार के दो किलो दो तीन किलोमीटर भी नहीं होगा वहाँ से। यहाँ देखो सूखा सूखा कुछ भी नहीं है, ये क्या हो रहा है? मैं तो बार बार यही चीज़ देख के हैरान हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है। सो गाइस, आज के वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हैं और जस्ट मैंने यहाँ पर हिट कर दिया, तो आएगा नेक्स्ट आने वाला वीडियो, वीडियो भी आएगा नेक्स्ट आएगा। अभी मैं पोखरा के लिए थोड़ा बहुत वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद पोखरा से फिर क्या होगा, दोबारा रिटर्न घर में जाने वाला। तो आज का वीडियो जैसे भी हो, होपफुली आपका वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल नया चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती है अगले नया वीडियो के लिए इधर पोखरा के लिए, तो तब तक के लिए आपका दिन शुभ है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।